हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी चुनियों से ये डोरमेट बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स अभी जो आपने देखा है, इसमें 8 कलियां बनेंगी और ऊपर ही छोटे छोटे 8 फ्लावर बनेंगे। ये कली आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हो और ऊपर के फ्लावर भी आप अलग अलग कलर से बना सकते हो, 2 कलर से भी बना सकते हो और मल्टी कलर से भी, वो आपकी अपनी च्वाइस है। तो देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 6 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। ये थोड़ी सी मोटी हैं तो जल्दी जल्दी हमारा बन के कम्प्लीट होगा, और अगर आपके पास पतली नीडल हैं तो आप 8 नंबर की नीडल भी आप ले सकते हो, 9 नंबर से भी आप बना सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, फंदे में बिल्कुल ही सिंपल तरीके के आपको मैं फंदे बताऊँगी, आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हो। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं, जिसको डालने आते हैं वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, एक हमने नोट लगा ली। ये देखिए, ऐसे हम इसको पट्टी को पकड़ लेंगे। ये देखिए, एक नोट से हो गया, एक हमने डाल लिया। ध्यान से देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 34 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, 34 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। फर्स्ट रो से ही हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे मैं ऐसे ही उतार लूँगी, ध्यान से देखिए, और तीसरे फंदे से हम बनाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को भी हम इसी के अंदर लपेट लेंगे। हम इसको बहुत ही सफाई के साथ बनाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे मैंने इसमें बिना बने उतार लिए हैं। ये फर्स्ट रो फ्रेंड्स हमारी, इसलिए थोड़ा सा आप आराम से इसको बनाइएगा, फिर ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होगा। इसी तरीके से मैं इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं यहाँ तक आ जाऊँगी और इस साइड छोड़ दूँगी। 2 हमने इस साइड छोड़ दिए थे, 2 हमने इस साइड छोड़ दिए। पलट लेंगे, फर्स्ट वाले फंदे को ऐसे उतारेंगे, इससे हमारा यहाँ पे फिर गैप नहीं आएगा। और ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड बनेगी, इस साइड से भी हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पट्टी ये थोड़ी सी रह गई, मैं आपको बताऊंगी इसमें हम ज्वाइंट कैसे लगाएंगे। हम इसमें साड़ी और चुन्नी से जब हम बनाते हैं तो हमने इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसे आप इस पट्टी को खोल लीजिए जब ये इतनी छोटी हमारी रह जाए, और दूसरा हम पट्टी लेंगे और इसके अंदर करके इसको हम ऐसे रोल रोल कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पकड़ के रखिए जब तक हमारा ज्वाइंट अंदर ना चला जाए। ये देखिए, बनने के बाद आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ पे इसमें ज्वाइंट लगाया था। ये देखिए, और पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। वो जो 2 फंदे हमने छोड़े थे उनको नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इस साइड से ये फंदे हम 2 बनाएंगे, दूसरी साइड पलट लेंगे और अब हम इनको ऐसे ही उतारेंगे। 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे और 2 हमने इस बार ये छोड़ दिए। एक बार मैं उस साइड से भी आपको दिखाऊंगी, इसको बनाते हुए मैं उधर तक लेके जाऊंगी। ये देखिए, 2 हमने इस साइड छोड़ दिए। देखिए फ्रेंड्स, अगली बार हम ये छोड़ देंगे तो हम ये इस साइड से इनको हम बना लेते हैं और यहीं से हम पलट लेंगे। 2 पहले छोड़े थे, 2 अब छोड़ दिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से 2-2 फंदे छोड़ते हुए, ये मैं इस बार 2 छोड़ दूंगी, हम बीच सेंटर में आ जाएंगे, फिर मैं उसके बाद आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए, दोनों साइड से 2-2 फंदे छोड़ते हुए मैं बीच सेंटर में आ गई हूँ। 4 फंदे ये बचे हुए हैं। तो देखिए, ये हमारे बिल्कुल हाफ हाफ फंदे दोनों साइड
हो गई हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सीधी साइड है ये, तो सीधी साइड से अब हम बैक साइड में आ जाएंगे। और जैसे हमने फंदे छोड़े हैं, ऐसे ही अब हम इसमें ऐड करेंगे वापस। ध्यान से देखिए, दो फंदे मैं इस साइड से ऐड कर लूँगी। हाफ कली हमारी बन गई, इसको कंप्लीट करेंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे। अब ये हमारे ऊपर चार फंदे हो गए। तो ये फिर से हम इस साइड के ऐड कर लेंगे। दो दो फंदे जैसे हमने छोड़े थे, ऐसे ही हम इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिए, दो से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से। एक बार और देख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यहाँ से हम ऐसे फंदा उठा लेंगे ताकि हमारा कली के बीच में गैप ना आए। और इसके साथ आप दो का एक कर दीजिए, दो का एक करना मत भूलिए। ये देखिए, दो का एक कर दिया और एक फंदा हम ये ले लेंगे। दो फंदे ऐड कर लिए, यहीं से पलट लेंगे और मुड़ जाएंगे। एक बार मैं उस साइड से और आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे ही फंदे दोनों साइड से इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए, ये फंदे अगर हम ऐसे ही बनाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे बीच में गैप आएगा। एक फंदा ऐसे बीच में से हम उठा लेंगे और इसके साथ दो का एक कर देंगे। इससे हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा और फंदा भी नहीं बढ़ेगा। और एक फंदा और हम आगे से ले लेंगे और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने दोनों साइड से दो दो फंदे ऐड करने हैं। फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। देख लीजिए, गैप नहीं आएगा। ये देखिए, पिछली बार हमने ये ऐड किए थे, इस बार हम ये फंदे ऐड कर लेंगे। फिर से हम एक फंदा ऐसे बीच में से उठा लेंगे और दो का एक कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से आपने पूरी कली को कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी इसमें ये आपको ऐसे कटोरी जैसी शेप आएगी, लेकिन जैसे ही हम इसमें ऊपर फ्लावर बनाएंगे, ये अपने आप ही शेप में आ जाएगी। और देखिए, बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं है। तो मैं दोनों साइड से दो दो फंदे ऐड करती हुई यहाँ तक मैं आ जाऊँगी। फिर मैं आपको उसके ऊपर का बताऊँगी। ये देखिए, इस साइड ये लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, हम अपना गैप ख़त्म करेंगे। कोई भी इजीली आप बीच में से ऐसे फंदा उठाइए और इसके साथ दो का एक कर दीजिए और ये लास्ट वाला भी हम बना लेंगे। इस साइड के सारे फंदे हमने ले लिए हैं। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। ये देखिए, दोनों साइड से एक जैसा बना है। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड से, कोई भी बीच में इसमें गैप नहीं है। दो फंदे लास्ट के ये इस साइड के बचे हुए हैं। तो देखिए, ये हम पूरी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस साइड के सारे फंदे हमने ले लिए हैं। मैं इसको बनाती हुई यहाँ तक आ जाऊँगी। ये देखिए, इस साइड आ गई हूँ मैं बनाती हुई। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा गैप नहीं है, तो हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, किनारे वाले फंदे को आप ऐसे सीधा बनाइए।
ये देखिए, तो पूरी हमारी ये कली बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी शेप आएगी इसकी, लेकिन हम ऊपर फ्लावर बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है। तो अब यहाँ से मैं इसमें ऊपर का हम फ्लावर बनाएंगे, तो मैं इसमें एक कलर और लगा दूंगी, कोई भी आप इसमें कलर लगाइएगा। ये देखिए, इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिए, इस पट्टी को भी हम अंदर कर लेंगे। ये देखिए, दो, इसको आप इसी के अंदर लपेट लीजिए ऐसे। ये देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। सोलह फंदे फ्रेंड्स मैंने इस कलर से बना लिए हैं, और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी। ध्यान से देखिए, और ये पूरे हम फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बना के इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, दूसरा कलर हमने इसमें ऐड कर लिया है ऊपर। ये डिजाइन ऐसा है फ्रेंड्स, आप ये ऊपर वाला अलग अलग कलर से भी आप ये फ्लावर बना सकते हो, और सिंगल कलर से भी आप ये फ्लावर बना सकते हो, और कलियों में भी आप अपनी चॉइस से इसमें कलर भर लीजिए। आप देखिए, फिर से हम फर्स्ट वाला उतार लिया हमने, और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे ऊपर साथ साथ लेके चलेंगे साइड से। ये हमारा थ्रेड ऊपर तक पट्टी पीछे पीछे ऐसे ही जाएगी। ये देखिए, पूरी रो हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, और एक एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, एक एक फंदा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एक फंदा छोड़ दिया, मुड़ जाएंगे। तो एक एक फंदा फ्रेंड्स मैं छोड़ती हुई ऊपर की तरफ सारे ही फंदे छोड़ लूंगी। हाफ फ्लावर हमारा बन जाएगा, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, अब चाहे तो ये येलो पट्टी को काट भी सकते हो, ऊपर जाके दोबारा से आप इसमें जोड़ लीजिए, और अगर आप इसको नहीं काटो तो बैक साइड से ऐसे ऊपर की साइड आप इसको लेके जाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे, और फिर से हम ऐसे बनाते हुए एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। एक एक फंदा छोड़ते हुए ऊपर तक मैं आ जाऊंगी। फिर मैं, जब मेरे दो फंदे बच जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, अब हमारी कली की बिल्कुल शेप बन गई है। ऊपर हमारा ये हाफ ही फ्लावर बना है, जब हाफ और बन जाएगा तो बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने एक एक फंदे छोड़ लिए हैं, ऊपर के तीन फंदे बचे हुए हैं। तो देखिए, दो फंदे मेरे बन गए, एक फंदा ये लास्ट का भी मैंने छोड़ दिया। ध्यान से देखिए, पट्टी पीछे कर लेंगे, इस किनारे के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम सीधा बनाएंगे तो ऐसी हमारे किनारे की फिनिशिंग आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे मेरे बचे हुए हैं, हाफ फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तक हम नीचे से फंदे छोड़ते आए थे, अब हम ऊपर से इसमें एक एक फंदा ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, दो फंदे हम बना लेंगे, एक फंदा हम इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिए, और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे,
इसको उल्टा बनाएंगे, किनारे वाले को सीधा बना लेंगे। दो फंदे थे हमारे, एक हमने ऐड कर लिया, तीन बन गई। अब देखिए फर्स्ट वाले को उतार लेंगे, ये दो हम बना लेंगे। तो ये फंदा हम ऐड करेंगे, उससे पहले देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो बीच में गैप आएगा, तो एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे और इसके साथ दो का एक कर देंगे। ध्यान से देखिए, इससे हमारा गैप नहीं आएगा और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इसी तरीके से बनाते हुए। इसको आप हर बार की तरह सीधा बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए, ये देखिए येलो पट्टी मैं ऊपर लेके आई हूँ बैक साइड से। इसको हम ऐसे ले लेंगे ताकि जब हम अगली कली बनाएंगे, अगर आपको इसी कलर से बनानी है तो आप इसी तरीके से ऊपर लेके आइए, और अगर आपको दूसरे कलर से बनानी है तो आप यहाँ से काट दीजिए। ये मैंने आपको एक आइडिया बताया है। ये देखिए, फिर से हम एक फंदा उठाएंगे, गैप ख़त्म करेंगे और आगे से एक फंदा इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम देखिए दो का एक कर देंगे। दो का एक करना मत भूलिए, नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा और जो हम बीच में से फंदा उठाएंगे उसकी भी एक चेन सी बनती जाएगी फ्लावर के बीच में। ये देखिए, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें एक एक फंदा ऐड करती हुई मैं नीचे तक आ जाऊंगी। ये देखिए, ये एक एक फंदा मैं इसमें यहाँ से गैप का उठाऊंगी और एक एक फंदा ऐड करती हुई मैं यहाँ तक इसको इसी तरीके से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ऊपर वाला फ्लावर फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, जो हमने गैप भरने के लिए फंदा उठाया है उसकी एक ऐसी चेन सी बनती जाएगी, ये देखिए फ्लावर के बिल्कुल बीच में। और ये देखिए लास्ट का एक फंदा मेरा ये बचा हुआ है, पूरा फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट के फंदे को भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसको फ्रेंड्स जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो, आप इसको 40 फंदे का भी बना सकते हो, लेकिन जोड़े से आप इसमें फंदे डालिएगा जितना भी आपको बड़ा छोटा बनाना है, और फिर हाफ फंदे पे हम ये अपना ऊपर फ्लावर बनाते हैं। इसी तरीके से बनेगा, जितना भी आपको बड़ा बनाना है बन जाएगा। ये देखिए, तो लास्ट का फंदा हम उठाएंगे तब भी फ्रेंड्स हम इसमें गैप ख़त्म करेंगे। ये देखिए, और ये अब हम फ्रेंड्स आगे भी बनाएंगे तो देखिए इसके कली के और फ्लावर के बीच में भी यहाँ पे गैप है, तो एक फंदा और हम यहाँ से उठा लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा गैप नज़र आए तो आप दो फंदे भी बीच में उठा सकते हैं, फिर आप तीन का एक कर दीजिए। ये देखिए, कली के और फ्लावर के बीच का गैप भी हमने ख़त्म कर लिया है, और ये पूरे ही फंदे हम इस कलर से बना लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम जब दूसरी कली बनाएंगे तो ये हमारी कली अलग अलग नज़र आएंगी, ये आउटलाइन बीच में आ जाएगी। ये देखिए, कली मैं दो कलर से बनाऊंगी फ्रेंड्स, आठ कली में बनके कंप्लीट होगा, तो आमने सामने हमारी कली सेट हो जाएंगी। ये देखिए, पूरी रो हमने ये उतार ली। ये देखिए, इस साइड से भी हम इस रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, एंड तक आ गई हूँ मैं। पट्टी को पीछे करके इसको हम सीधा बना लेंगे। इसको आप हमेशा ही सीधा बनाइएगा। ये देखिए, एक बार की हमारी कली
और फ्लावर कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए। अब हम यहाँ पे दूसरा, अगर आपको फ्रेंड्स इसी कलर से लगानी है, यही कलर बनाना है, एक कलर से ही सारी कली बनानी है, तो यहाँ पे ऊपर यही कलर लगा लीजिए। अब मैं ऊपर यहाँ पे आपको एक और कलर ग्रीन ये लगा के दिखाऊंगी। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए और इसको भी आप इसी के अंदर ऐसे ले लीजिए। और इस रो में हम अपने फंदों का कलर चेंज कर लेंगे। बैक साइड से भी फ्रेंड्स देखिए, हम इसे बहुत ही सफाई के साथ बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, कहीं पे भी आपको इसमें कोई भी नोट नजर नहीं आएगी। ये देखिए, पूरी रो में इसी कलर से एंड तक बना लूंगी। ये देखिए, पूरी रो हमने इस कलर से बना ली है, ये देखिए। और इसको फ्रेंड्स आप फंदे को कम ही बनाइएगा, क्योंकि नहीं तो हमारा यहाँ पे होल बड़ा बन जाएगा। और ये पूरी रो हम ऐसे ही इस साइड से भी उतार लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, इस साइड से भी ये रो हमने उतार ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से ये रो मैंने उतार ली है। अब देखिए, जैसे हमने ये कली की स्टार्टिंग की थी नीचे से, दो फंदे मैं इस साइड छोड़ दूंगी और यहाँ से मैं इसको बनाऊंगी। दो दो फंदे हम दोनों साइड से छोड़ते हुए बीच सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए, तो मैं इस रो को उतारूंगी। ये देखिए, दो फंदे हम इस साइड से छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से दो फंदे इस साइड छोड़ दिए, दो मैंने इस साइड छोड़ दिए, फिर मैं दो इस साइड छोड़ दूंगी, दो इस साइड छोड़ दूंगी, हम बीच सेंटर में आ जाएंगे जैसे हमने ये कली बनाई थी। बीच सेंटर में आने के बाद फिर हम अपने वापस दोनों फंदे, दोनों साइड से दो दो फंदे ऐड करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। ऐसे ही बीच में से हम दोनों साइड से दो दो फंदे उठाएंगे जैसे हमने येलो कली ये बनाई थी। पूरी कंप्लीट हमारी कली ऐसे ही बन जाएगी। फिर हम हाफ फंदे लेके, ये मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 16 फंदे पे मैंने ये ऊपर फ्लावर बनाया था, फिर ऊपर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें मैं ये दूसरा कलर लगाऊंगी। ये फ्लावर मैं एक इस कलर से बनाऊंगी, एक दूसरे कलर से बनाऊंगी, फिर अगला फ्लावर फिर मैं इसी कलर से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से इसको कंप्लीट करूंगी, आप भी बनाइए। बहुत ही आसान डिजाइन है। और फ्रेंड्स, आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट करने के बाद इस तरह से कुछ इसकी लुक आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पूरी कली और ये फ्लावर बना के दिखाऊंगी। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी, पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आप इसी तरीके से बनाइएगा, 8 कली में बन के ये कंप्लीट होगा जैसा कि आपने अभी देखा है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी जैसे मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसमें फंदे डालेंगे। फंदे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके के फंदे डालूंगी। ये देखिए, 8 नंबर की मैंने इसमें निडल ली है। ये देखिए, कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से लेंगे और हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे। यहाँ पे आप फ्रेंड्स एक नोट भी लगा सकते हो ताकि हमारा ये पट्टी हमारी फिक्स हो जाए। ऐसे आप इसमें ऐसे नोट लगा लीजिए, ये देखिए। और फ्रेंड्स, मैं इसमें 32 फंदे मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखिए, आप इसको ऐसे टाइट कर लीजिए, अच्छे से हमारा ये टाइट हो जाएगा। और आप ऐसे इसमें ऐसे फंदे डाल लीजिए, एक हमारा नोट से हो गया, एक हमने डाल लिया। ये देखिए,
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये दस। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी।